नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। मैं हूं पद्मजा जोशी और इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से, जहां निर्माणाधीन 7 मंजिला इमारत के गिरने के मामले में एक नया खुलासा हुआ है। बिल्डिंग को सील करने के बावजूद समाजवादी पार्टी के नेता मेहताब आलम बिल्डिंग निर्माण का काम करवा रहे थे, अपने रसूख के दम पर इमारत बनवा रहे थे। कानपुर विकास प्राधिकरण ने इसकी जानकारी पुलिस को भी दे दी थी और काम को रोकने को भी कहा था, लेकिन काम नहीं रुका और अचानक ये हादसा हुआ जिसमें अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है और 25 से ज्यादा लोग इस हादसे में जख्मी हो गए। तो आप सोचिए, कानपुर विकास प्राधिकरण का कहना है कि उन्होंने 22 नवंबर को ही नोटिस दे दिया था कि इस बिल्डिंग पर काम रोक दिया जाए, इस बिल्डिंग को सील कर दिया था, पर मेहताब आलम की मिलीभगत थी कुछ अफसरों के साथ या फिर उनका रसूख था जिसके चलते काम जारी रहा। जहां मौत जमींदोज हो गई, वहां से निकली उम्मीद की किरणें। जहां निर्माणाधीन 7 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई, उसके मलबे से निकली 3 साल की बच्ची सही सलामत। एनडीआरएफ की टीम की मुस्तैदी से कानपुर के जाजमऊ इलाके में गिरी इस इमारत के मलबे से बच्ची को बचा लिया गया, लेकिन 9 लोग बदकिस्मत निकले जो बिना वजह काल के गाल में समा गए। और जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ पे आर्मी के रिसोर्सेज यूज किए जा रहे हैं, आर्मी के भी यहाँ पे कटर्स और वहाँ पे इंजीनियरिंग कोर के लोग हैं, आर्मी का डॉग स्क्वाड भी है, आर्मी के मेडिकल कोर के लोग भी हैं, एनडीआरएफ की टेक्निकल सुपरविजन है। इमारत गिरी तो पड़ताल शुरू हुई और तार समाजवादी पार्टी के नेता मेहताब आलम से जुड़े। पता चला कि ये इमारत समाजवादी पार्टी के नेता मेहताब आलम की थी। मेहताब आलम ने कानून को ताक पर रखकर महज 3 महीने में 7 मंजिला इमारत का ढांचा तैयार करवा लिया। सूत्रों की माने तो मेहताब को डर था कि कहीं चुनाव के बाद पासा पलटने पर इमारत के निर्माण का काम रुक न जाए। अखिलेश यादव के साथ पोस्टर में यूपी के विकास का बखान करने वाले मेहताब के इस निर्माणाधीन इमारत गिरने के बाद कानपुर विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों पर गाज गिरी। इसमें 5 लोगों को जो सुपरवाइजरी स्टाफ है इनको हमने निलंबन किया है और बाकी जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का हमने शासन को सिफारिश किया है, इनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। कानपुर विकास प्राधिकरण ने भले ही इस मामले में अपने कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर नियमों को ताक पर रखकर इमारत को कैसे बनने दिया गया। शिव पूजन झा के साथ रंजय सिंह, कानपुर आज तक। 9 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई, पर इसको कुदरत का करिश्मा ही कह सकते हैं कि एक 3 साल की बच्ची इस मलबे में से जिंदा निकाल ली गई। चमत्कार से बिल्कुल कम नहीं है, कई घंटों तक ये पूरा ऑपरेशन चला इस मलबे में से। उस ऑपरेशन के बाद इस 3 साल की बच्ची को सलामत निकाल लिया गया। एनडीआरएफ की टीम ने मुस्तैदी के साथ इस बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सोचिए, इस बिल्डिंग का मालिक जिसने ये लापरवाही दिखाई अभी तक कानून के शिकंजे से बाहर है। जिंदगी के साथ ऐसी लापरवाही यकीनन आपराधिक मामला है। जिंदगी के साथ ऐसी ही कथित लापरवाही का मामला दिल्ली से भी सामने आया है। दिल्ली सटे ग्रेटर नोएडा से सामने आया है, जहां एक बच्ची की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। इस घर की तरो दीवार पर नन्ही गजल की यादें चस्पा है। 2 दिन पहले तक ये घर इस बच्ची की थनकती मुस्कान से खिलखिलाता रहता था, आज उसकी याद में मातम पसरा है। गजल ग्रेटर नोएडा के डीपीएस वर्ल्ड स्कूल में क्लास 2 में पढ़ती थी। मंगलवार को उसने स्कूल में कराटे में मेडल जीता था। पिता का कहना है कि चैंपियनशिप के बाद स्कूल से गजल के सिर में दर्द होने का फोन आया। 10 मिनट बाद दोबारा फोन पर स्कूल वालों ने उन्हें अस्पताल पहुंचने को कहा। जब वो वहां पहुंचे तो मिली कलेजे को चीर देने वाली खबर। राइट हैंड साइड होठों पे स्वेलिंग थी, कहीं ना कहीं डाउट है ड्यूरिंग एक्सरसाइज कहीं पे कोई चोट लगी हो उसे, कुछ है जो मैनेजमेंट बता नहीं रही है। जैकी चैन को आदर्श मानने वाली गजल को कराटे का बेहद शौक था, इसमें उसने कई मेडल जीते, लेकिन आखिरी फाइट में गोल्ड जीत कर भी वो जिंदगी से हार गई। देखते ही सीरियस लगी तो उसको कोर्ट ब्लू करके बुलाया गया था,
आईसीयू की टीम आती है, उन्होंने एग्जामिन किया और उसके कपड़ों से ऐसा भी लग रहा था कि शायद उसके नोज से ब्लीड भी हुई थी। गजल की मौत अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई है। यह हादसा है या लापरवाही? जिस वक्त गजल जख्मी हुई उस वक्त स्कूल में चिकित्सा के पर्याप्त इंतजाम थे या नहीं? क्या गजल को उपचार देने में देरी हुई? इसका जवाब तो जांच से मिल जाएगा, लेकिन गजल अब लौट कर कभी नहीं आएगी। भूपेंद्र चौधरी, ग्रेटर नोएडा, आज तक। मोटी फीस लेने वाले स्कूलों में क्या बच्चों की सुरक्षा के लिए इंतजाम काफी है? सोचने वाली बात है। यूपी में 100 से ज्यादा सीटों पर अल्पसंख्यक वोट अहम है, लिहाजा एक बार फिर राजनीतिक दलों की नजर अल्पसंख्यक वोटों पर टिक गई है। कोई विकास के नाम पर तो कोई वोट बर्बाद होने के नाम पर अल्पसंख्यकों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहा है। यूं तो देश की सर्वोच्च अदालत ने जाति, भाषा और धर्म के नाम पर वोट मांगने की मनाही कर दी है, लेकिन यूपी के सत्ता के संग्राम में सब जायज नजर आ रहा है। कुछ राजनीतिक दल खुलेआम एक खास समुदाय से अपने वोट देने की मांग कर रहे हैं। इस चुनाव में अंदर अंदर एक दूसरे के खेमे के उम्मीदवारों को हराने की नीति पूरी पूरी कोशिश करेंगे और फिर इनका अपना बेस वोट भी दो खेमों में बढ़कर रह जाएगा। और यदि ऐसे हालातों में खासकर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज के लोग अपना जो भी वोट सपा के उम्मीदवारों को देते हैं तो फिर उनका वह वोट पूरी तरह से ना केवल बेकार हो जाएगा बल्कि इसका सीधा फायदा यहाँ बीजेपी को ही पहुँच सकता है। समाजवादी खेमे में फूट की बात कहकर मायावती बुलंदशहर में अल्पसंख्यक वोटों के बेकार होने का डर दिखा रही थी, तो दंगे के बाद पहली बार रैली करने मुजफ्फरनगर पहुंचे अखिलेश विकास में अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के बहाने वोट मांग रहे थे। कम से कम हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान भाइयों को भी अपनी जो प्रदेश की जितनी भी योजनाएं हैं उनमें आबादी के हिसाब से मदद करने का काम किया। ये हमारी समाजवादी पेंशन 20% हम दे रहे हैं मदद, 20% लैपटॉप भी दिए, आवाज भी दे दिए 20%, वोटों बोलने वालों की मदद कर दी जो बेचारे आंदोलन कर रहे हैं, की भी बाउंड्री बनानी पड़ी बना दी। आखिर क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बावजूद नेता अल्पसंख्यक वोटरों को खुलेआम लुभाने से बाज नहीं आ रहे? दरअसल इसकी वजह मुस्लिम वोटों का गणित है। 20 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 130 से 135 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की तूती बोलती है, यानी मुस्लिम वोटर यहां निर्णायक माने जाते हैं। साफ है कि करीब 125 सीटें यूपी में सरकार का गणित बनाने बिगाड़ने में अहम है। यही वजह है कि नेताओं की पैनी नजर इन वोटरों पर है। बुलंदशहर से मुकुल शर्मा के साथ संजय शर्मा, मुजफ्फरनगर, आज तक। यूपी की सियासत में जहां कुनबे में संग्राम की चर्चा है, वहीं मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव भी खूब सुर्खियों में रहे हैं। प्रतीक की पत्नी लखनऊ कैंट से चुनाव मैदान में है, लेकिन प्रतीक अपनी पत्नी अपर्णा की वजह से नहीं बल्कि 5 करोड़ की कार की वजह से सुर्खियों में रहे हैं। इसे कार पर समाजवाद का नाम देकर विपक्षी दलों ने निशाना भी उन पर साधा था। ये बात और है कि प्रतीक खुद पीएम मोदी की तारीफ करते नहीं थकते। एक बात और आपके बारे में, ये आपके बारे में और अपर्णा के बारे में दोनों कही जाते हैं कि आप लोग इस बात को छिपाते नहीं है कि नरेंद्र मोदी आपको पसंद हैं। अब बाकायदा उन्होंने भी तारीफ की, आपने भी तारीफ की, आपने सेल्फी खिंचाई उनके साथ और कहते हैं कि आपको नरेंद्र मोदी पसंद है। जी, मोदी साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारे देश की जो कि सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है उसके प्रधानमंत्री हैं। 125 करोड़ की आबादी है हमारे देश की, उसके प्रधानमंत्री है और हम लोग के मन में उनका सम्मान होना चाहिए क्योंकि इतने बड़े देश को रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमारे देश का चेहरा है। किसी भी देश में जाते हैं तो भाई भाजपा जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं उसकी विचारधारा अलग हो सकती है, समाजवादी पार्टी जो कि हमारे जो कि पूरे परिवार के जन हैं जिससे कि वो बिलोंग करते हैं, पार्टियों की विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मेरे ख्याल से अगर एक अच्छा संबंध बना रहे तो वो अच्छी बात है। और क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं तो हमारे सबके जितने भी लोग हैं, मैं ये मानता हूँ हम सभी की वो प्रधानमंत्री है और हमको उनका सम्मान एज अ प्राइम मिनिस्टर करना चाहिए। महंगी गाड़ी और पीएम मोदी के साथ साथ वर्जिश करने के भी बहुत शौकीन है प्रतीक यादव। उनके साथ पूरी बातचीत आप देख सकते हैं आज रात 8:10 पर।
आगे बढ़ते हैं, कहते हैं लालच बुरी बला है लेकिन फिर भी लोग लालच से बाज नहीं आते। यूपी एसटीएफ ने नोएडा में 3 लोगों को गिरफ्तार कर घोटाले की ऐसी कंपनी को पकड़ा है जिस पर 37 अरब की ठगी का आरोप है। क्या है मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। 3,700 करोड़ का घोटाला, 7 लाख निवेशकों को चूना, 9 में घोटाला कंपनी का भंडाफोड़। नोएडा स्थित सोशल टैड का यह दफ्तर अब बंद है। इसके मालिक अनुभव मित्तल 2 साथियों के साथ कानून के शिकंजे में है। कंपनी पर करीब 7 लाख निवेशकों को करीब 3700 करोड़ रुपए का चूना लगाने का आरोप है। डेटा कलेक्ट किया तो पाया कि ये लोग एक पोंजी स्कीम रन कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और इस समय उस स्कीम का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और करीब 6 लाख से ज़्यादा लोग उसमें जुड़ चुके हैं और 3,000 करोड़ के ऊपर उसका टर्नओवर होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 6 लाख को अगर हम 5,000 रुपीज़ से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3,000 करोड़ हो रहा है। इस कंपनी का कारोबार अजीब था। कंपनी 5,000 रुपये से लेकर 57,000 रुपये तक लेकर इसके बदले में कुछ लिंक प्रोवाइड कराती थी और लिंक्स को लाइक करने पर लोगों के अकाउंट में रोजाना पैसे आते थे। कुछ लोगों ने जब पैसा ना मिलने की शिकायत की तो कंपनी के गोरख धंधे का भांडा फूट गया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की माने तो इस मामले में फिलहाल जांच की जा रही है। इस कंपनी के मालिक अनुभव मित्तल और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह बताया गया है कि तकरीबन 7 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं और 3700 करोड़ से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट उनसे करा लिया, और कहीं ना कहीं प्रवर्तन निदेशालय भी इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है जो बाकायदा यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आई है नोएडा पुलिस। फिलहाल स्थिति यही है कि इस पूरे मामले में यहाँ काफी समर्थक मौजूद हैं जो सोशल ट्रेड कंपनी से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब सरकार को ये लगता है कि कर की चोरी हुई, इसी बेसिस पर पूरी जांच की जा रही है। कंपनी के मालिक अनुभव मित्तल के बड़े नेताओं और नौकरशाहों से संबंध बताए जा रहे हैं, वो खुद को बेकसूर बता रहे हैं। देश भर में अब तक ऐसे कई घोटालों में लोग अपनी गाढ़ी कमाई लुटा चुके हैं, लेकिन तुरंत कमाई का लालच ऐसा कि लोगों की समझ पर ताला लग जाता है और वो ठगी के शिकार हो जाते हैं। अरविंद ओझा के साथ चिराग गोठी, नोएडा आज तक। आप देख रहे हैं इंडिया 360। सोचिए अगर आप जंगल की सैर पर निकले हों और आपकी गाड़ी पर अचानक बब्बर शेर हमला बोल दे। बेंगलुरु में एक बायोलॉजिकल पार्क में 2 शेरों ने सफारी कार पर हमला बोल दिया, फिर आगे क्या हुआ खुद ही देखिए। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर बेंगलोर के पन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क की है। टोयोटा इनोवा गाड़ी में सवार कुछ लोग पन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में जंगल सफारी के लिए निकले, लेकिन सफर के बीच में ही इनका सामना हो गया बब्बर शेर से। शुक्र है इस घटना में किसी को खरोंच तक नहीं आई। घटना का वीडियो इनोवा के पीछे आ रही बस के ड्राइवर ने बनाया। वीडियो में भी शेरों से घिरी गाड़ी के अंदर बैठे परिवार की फिक्र करते लोगों की चीख सुनी जा सकती है। भैया देखो 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 अंदर वाले डर गए होंगे। जैसे ही भारी भरकम शेर गाड़ी छोड़ता है, ड्राइवर गाड़ी को आगे बढ़ाता है, लेकिन बाईं ओर खड़े शेर ने आगे बढ़कर गाड़ी को रोक दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस इनोवा कार पर 29 जनवरी को शेरों ने हमला किया, उसी इनोवा गाड़ी पर 5 सितंबर 2016 में भी एक शेर ने हमला बोला था। आप खुद देखिए इन 2 तस्वीरों को, जहां एक ही गाड़ी 6 महीने के भीतर 2 बार शेरों के निशाने पर आई। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक पन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में सफारी के दौरान गाड़ियों को रोकने की इजाजत नहीं है, लेकिन ड्राइवर ने मुसाफिरों की मांग पर गाड़ी बीच रास्ते में रोक दी। शायद अपने इलाके में लोगों का खलल शेरों को पसंद नहीं आया, नतीजा आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बहरहाल इस घटना के बाद पार्क प्रशासन ने इनोवा के ड्राइवर को सफारी ड्यूटी से हटा दिया है। आज तक ब्यूरो। वक्त एक और ब्रेक का, बाकी खबरों के साथ फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए इंडिया 360। इंडिया 360 में आप खबर कश्मीर से, जहां महीनों की अशांति के बाद अब खूबसूरत वादियों में चहल पहल शुरू हो गई है। बर्फ से
लदालत गुलमर्ग में स्नो कार्निवल शुरू हुआ है जिसमें देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। अशांति के लंबे तनावपूर्ण दौर के बाद घाटी में बहारें लौट आई हैं। दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ और उसका आनंद लेते सैलानी और स्नो स्पोर्ट्स के शौकीन। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की है जहां पूरे धूमधाम के साथ स्नो कार्निवल का आगाज हुआ है। इस मौके पर बॉलीवुड के चंद सितारे और बर्फ के खेल में रुचि लेने वाले उत्साही लोगों के अलावा उनका स्वागत करने सीएम महबूबा मुफ्ती भी मौजूद थी। पिछले कई सालों के दौरान गुलमर्ग में बहुत कम बर्फ हुई, लेकिन अब की बार जो ताबड़तोड़ और कई दिनों तक बर्फबारी हुई है उसने कहीं न कहीं स्नो स्कीयर्स के लिए माहौल बना दिया है। स्नो कार्निवल के तहत स्कीइंग, आइस हॉकी, स्नो स्कल्पचरिंग, स्नो मोबाइल रैली, स्नो रग्बी और नाइट स्कीइंग का आयोजन किया जा रहा है। अशरफ वानी, गुलमर्ग आज तक। इंडिया 360 में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जारी रहेंगी। इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए